हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधिया एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे वो एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, चाहे वो फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट हो या फिर ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। जैसा स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, वैसा ही इम्पोर्टेंट है उसके गार्डियन के लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 का, इस पॉलिसी में क्या पॉजिटिव साइड्स है, क्या नेगेटिव साइड्स है, दोनों ही चीज मैं कंपेयर करके आप लोगों को बताऊंगा। एज ए व्यूअर मेरा ओपिनियन क्या है वो भी बताऊंगा, और यहाँ पे क्या क्या गलतियां हो सकती है उसके ऊपर भी मैं नजर रखूंगा। तो आज का जो वीडियो है बहुत एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ, तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को यही बताना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो, नए जुड़ रहे हो हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपका एक सब्सक्राइब इक्वल टू में 100 मिलियन बूस्टर्स मिलता है मेरे को, इससे भी कई गुना ज्यादा मेरे को बूस्टर्स मिलता है सच में। आप लोग कोशिश करो, जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो आज का जो मेन टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि शॉर्ट में हम लोग बता सकते हैं NEP 20। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है 34 इयर्स के बाद चेंज हुआ है इंडिया में। 1986 में वहां पे नया एजुकेशन पॉलिसी आया था, उसके बाद इसको फिर से थोड़ा सा चेंजेस लाया गया था 1992 में ये थोड़ा सा चेंजेस लाया गया था। उसके बाद मेनली जो चेंज हुआ था 1986 में, उसके 34 इयर्स के बाद अभी जाके चेंज हुआ है। और ये जो चेंजेस है बहुत बड़ा चेंजेस है, बहुत बड़ा ये जो चेंजेस है, अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है जैसा कि इन लोगों ने प्लान किया है, जैसा कि इन लोगों ने हमारे सामने ये जो पूरा का पूरा पॉलिसी हमारे सामने रखा है, ऐसे ही अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो बहुत इम्प्रूवमेंट लाएगा इंडिया आगे जाके। हर एक इंटरनेशनल लेवल पे ये टक्कर देगा हर एक कंट्री को एजुकेशन की लेवल पे। हाँ, तो ये जो पॉलिसी आया है इसका जो सबसे पहले पहला पॉइंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट उभर के आता है वो होता है कि आपका जो एकेडमिक ईयर है वो डिवाइड किया गया है 5+3+3+4, ये चारों डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। पहले क्या होता था, 10+2 का डिवाइड में ये एजुकेशन हम लोगों को मिलता था। पहला जो प्री स्कूल में था, प्री एजुकेशन यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जहां पे मिलता था क्लास 1 से क्लास 10 तक, और जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिलता था 11th एंड 12th में। तो अभी इसको पूरा घटाया गया है, पूरा हटाया गया है, तो अभी इसको पूरा हटा दिया गया है। अभी ये जो नया बिल है, नया पॉलिसी है, यहाँ पे बताया गया है 5+3+3+4, यानी कि सबसे जो 5 साल होता है वो प्री स्कूल होगा, वहां पे फाउंडेशन स्टेज है। एक स्टूडेंट, एक जो बच्चा प्री स्कूल में जब जाता है उसको किस चीज के ऊपर उसका दिलचस्पी है, कौन सा चीज उसको अच्छा लगता है, उसके ऊपर उसको नजर दिया जाएगा, उसको वैसे ही डेवलप किया जाएगा। ये जो 5 ईयर का जो टोटल एजुकेशन पॉलिसी है ये 3 साल से चालू होगा, और 3 साल से चालू होने के बाद क्लास 2 तक ये चलेगा, और क्लास 2 से क्लास 5 तक वो जो 3 साल का जो वहां पे एजुकेशन का जो सिस्टम होता है वहां पे क्लास 2 से क्लास 5 तक होगा। और बीच में और एक जो होता है जो 3 साल का वो है 6 से 8 तक। तो यहाँ पे ये जो 3 से 5 एंड 6 से 8 ये जो टोटल जो 6 साल है बहुत इम्पोर्टेंट साल है, क्योंकि यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे नजर दिया गया है कि हर एक स्टूडेंट क्लास 8 तक हर एक स्टूडेंट अगर वो चाहता है कि इंग्लिश पे ना पढ़ाई करे, किसी और सब्जेक्ट पे ना पढ़ाई करे, और लैंग्वेज पे, सब्जेक्ट नहीं और लैंग्वेज पे पढ़ाई ना करे, तो वो कर सकता है अपनी जो मदर टंग है उसके ऊपर वो उसका जो मादर टंग है उसके ऊपर वो बेस करके पढ़ाई कर सकता है, पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। इससे क्या होगा, हर एक स्टेट का जो अपना जो ओन मादर टंग है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है। क्योंकि अगर आप बाहर की कंट्रीज देखते हो तो वहां पे वो लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं खुद का जो लैंग्वेजेस होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है। जैसे कि मान लो चाइना, जैसे कि मान लो फॉरेन का कुछ भी कंट्री, जैसे यूएसए, अमेरिका, सॉरी
जैसे कि यूएसए, लंदन, बहुत सारे, ऑस्ट्रेलिया, हर एक कंट्री अपना जो ओन जो मदर टंग है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हर एक कंट्री का जो ओन जो मदर टंग होता है, ओन जो लैंग्वेज होता है, जैसे कि हमारा हिंदी है, किसी देश का बंगाली है, किसी देश का चाइनीज है, किसी देश का इंग्लिश है, तो हर एक कंट्री प्रायोरिटी देता है अपना जो मदर टंग है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है। इससे क्या होगा, इंडिया का जो मदर टंग है हिंदी है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, आगे आएंगे पढ़ाई करने के लिए। इससे और एक चीज कम हो जाएगा, जो स्टूडेंट्स रूरल एरिया का जो स्टूडेंट्स है, रीजनल जो स्टूडेंट्स है, जिन लोगों को इंग्लिश के बारे में छोटी उम्र से ही उन लोगों को पता नहीं है इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश के बारे में उन लोगों के अंदर एक जो डर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। उन लोगों को अपनी जब मदर टंग में वो लोग पढ़ाई करने के लिए उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो लोग आगे आएंगे। हर एक स्टूडेंट कोशिश करेंगे अपने मदर टंग के जब आप बात करते हो वहां पे जो कंफर्टेबल फील करते हो दूसरे लैंग्वेज में, वो कंफर्टेबल कंफर्टनेस आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 6 से 8 तक। 6 से 8 तक और एक चीज ऐड किया गया है, कोई भी स्टूडेंट कोडिंग सीख सकता है। और यहाँ पे वोकेशनल जो एडुकेशन है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इससे क्या होगा, जो बाहर की कंट्रीज में होता है वोकेशनल जॉब, जैसे कि कारपेंटर हो गया, आर्ट हो गया, या फिर जो गार्डनियर हो गया, यानी कि जो गार्डनिंग करता है, ऐसे जो यहाँ पे जॉब्स आते हैं उसका वैल्यू इंडिया में बहुत लो है। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप पढ़ाई ना करते हो तो आपका पेरेंट्स ये कहते हैं कि तू पढ़ाई नहीं करेगा तो कारपेंटर बनेगा क्या। ये जो सोच है, ये जो एक गलत फहमी है, ये दूर करने का एक बहुत ही अच्छा, क्या बताऊं, एक स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप बाहर की कंट्री में देखते हो तो वहां पे हर एक प्रोफेशन को, हर एक जॉब को वैसे ही नजरिए से देखता है जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट को और इंजीनियरिंग स्टूडेंट को। उन लोगों का जो एक हायर लेवल होता है वैसे ही निचले, हमारे यहाँ पे जो लो लेवल का जो जॉब्स होता है जैसे कारपेंटर या फिर गार्डनिंग जो करते हैं उन, या फिर आर्टिस्ट जो होते हैं, उन लोगों का जो एक जॉब होता है वैसे ही नजरिए से देखा जाएगा अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो। और यहाँ पे जो 6 से 8 है, ये जो टाइम है, टाइम पीरियड है, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे एक टाइम दिया जाएगा जहां पे बैगलेस स्कूल आपको जाना पड़ेगा। वहां पे क्या होगा, अगर आप वहां पे जाते हो, वो जो अटेंड करते हो, वो जो टाइम होता है वहां पे क्या होगा, आप लोगों को सिखाया जाएगा आप कैसे यहाँ पे गार्डनिंग कर सकते हो, कैसे आप एक आर्टिस्ट बन सकते हो। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप उसको उभार के ला सकते हो, आगे आगे सामने पेश कर सकते हो कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के अंदर तो वो नहीं है कि वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो लॉयर बनेगा, कोई ऐसा तो नहीं होता है कि कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं बड़ा होकर एक आर्टिस्ट बनू, कोई चाहता है मैं बड़ा होके कुछ कारपेंटर बनू, यानी कि प्लम्बर बनू, कुछ भी। बहुत सारी चीज है जहां पे हम लोग अपना हुनर दिखा सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो एक एवेल्युएशन लाया गया है 9 से 12, ये जो 4 साल का जो कोर्स है टोटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको 9th क्लास में ही आपको चुनने के लिए दिया जाएगा आप कौन कौन सी स्ट्रीम आप चूज कर सकते हो। जैसे पहला होता था कि पहले जो स्ट्रीम होता था साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, ये जो 3 स्ट्रीम है इसको पूरा का पूरा यहाँ से हटाया गया है। इसके बदले हर एक स्टूडेंट अपने मनपसंद सब्जेक्ट को लेके पढ़ सकता है। अगर मान लो आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो वहां पे आप साइंस के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत जियोग्राफी, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस, ये सब की जो नॉलेज है वहां पे आपको होना चाहिए, तभी आप आगे जाके आईएएस आईपीएस बन सकते हो। तो ये जो सारी इस टाइप का जो जॉब्स होता है, इन इस टाइप का जॉब्स के लिए पहले क्या करना पड़ता था, अभी जो हम लोग करते हैं कि हम लोग पहले स्कूल फिनिश करते हैं, उसके बाद कॉलेज में जाके फिर से वो जो पॉलिटिकल साइंस है उसको पढ़ने में लगते हैं, तो उसके लिए एक अलग टाइम लगता है, अलग जो एक टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग होता जाता है। इससे क्या होता है, हम लोग को जॉब मिलने में बहुत देरी होता है और हम लोग को क्या बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ये जो फील्ड है। और यहाँ पे क्या होगा, 9th से आप अपना जो स्ट्रीम है चूज कर सकते हो। अगर आप मान लो हिस्ट्री चूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसके साथ साइंस का भी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी सब्जेक्ट आप चूज करके पढ़ सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पे जो और एक चीज लाया गया है कि अभी जो पॉलिसी हमारे इंडिया में चल रहा है एजुकेशन पॉलिसी में, 1 साल का एजुकेशन खत्म होगा, उसके बाद आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, 1 साल के बाद आपका एक एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम,
तो ये जो दोनों ही चीज है, दोनों ही चीज मिटाने की कोशिश की गई है। अब से क्या होगा, ये जो 5 + 3 + 3 + 4 का जो ये जो डिवाइड किया गया है टाइम में, हर एक टाइम के बाद 5 साल के बाद एक आपका आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगा। ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट सिर्फ टीचर के साइड से नहीं आएगा, वो जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट कितना अपने आप को जान पाता है कि मैं कितना यहाँ पे दिया हूँ, मेरा 100% दिया है कि नहीं, वो अपने आप से एक आएगा। और उसका जो क्लासमेट है, उसका जो बैचमेट्स है, उसके पास से उसका रिपोर्ट भी लिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है उसका जो क्लासमेट्स है, उसको अच्छी तरीके से पता होता है कि उसका क्लासमेट कितना अच्छा पढ़ता है, क्या करता है, उसको बहुत अच्छे से पता चलता है। क्योंकि मान लो आप मेरे साथ एक क्लासमेट हो, बैचमेट हो, अगर मेरे को अच्छा पढ़ाई नहीं करना आता, मैं पढ़ाई के करने के वक्त कुछ भी क्लास बंक करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो वहां पे मेरा क्लासमेट को अच्छी तरीके से पता चलेगा, कि क्लासमेट को भी पता चलेगा मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है। अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो क्लासमेट्स को पता चलता है, उन लोगों को पता होता है कि ये जो लड़का है इसको आर्ट बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉइंग आता है। तो ये जो सब चीजों के ऊपर नजर रखते हुए ये जो चीज बनाया गया, बहुत अच्छी चीज बनाया गया। क्योंकि आप देखते हो, आप क्लास 12 हायर सेकेंडरी एजुकेशन खत्म करते हो, उसके बाद आप जब कॉलेज में जाते हो, तो आपको अपने आप को एवेल्युएट करना पड़ता है, अपने आप को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देना पड़ता है। क्योंकि मैं वहां पे आपको प्रोग्रेस करने के लिए कोई होता नहीं है, बेसिकली आपको सिर्फ प्रोफेसर आएगा, लेक्चर देगा, चला जाएगा। वहां पे आपको खुद को प्रोग्रेस करना पड़ता है कि मैं कितना पढ़ा हूं, मैं कितना जानता हूं, यहाँ पे इस फील्ड में मैं कितना मैच्योर हूं। तो वो एक जो चीज है पहले से ही डेवलप करने की बहुत अच्छी कोशिश है, अगर ये सही से एग्जीक्यूट होता है तो बहुत अच्छी चीज होगा। और फ्रेंड्स ये बोलना चाहूंगा, ये वीडियो ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींच सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी पॉइंट ऐसी है कि आप लोगों को सामने रखना जरूरी है। तो अब आते हैं आफ्टर स्कूल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपका स्कूल खत्म होगा, वहां पे जब आप भी कुछ भी डिग्री करने जाते हो, तो यहाँ पे ऑनर्स का जो डिग्री होता है ये 4 साल का बढ़ा के कर दिया गया है, क्योंकि पहले 3 साल का होता था, अभी 4 साल में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप 1 साल का ये जो ऑनर्स का डिग्री है अगर आप कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपको लगता है कि आपका कुछ फैमिली प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी बाहर के इश्यूज है, आपको लगता है कि आपको अभी जॉब करना चाहिए, आपके पास कुछ अच्छा जॉब का ऑफर आया है, तो अगर आप वहां पे चाहते हो कि अभी मैं ड्रॉप आउट करके जॉब करने जाऊं, तो वहां पे आप वो जो आपको अपॉर्चुनिटी है आपको दिया जाएगा, वहां पे आपका 1 साल के बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप बाद में चाहते हो कि इसके बाद मैं कंटिन्यू करूं, तो आपको वो कंटिन्यू कर सकते हो वहीं से, 1 साल आपको फिर से पहले से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल की पढ़ाई करने के बाद छोड़ते हो तो वहां पे आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप 3 साल के बाद छोड़ते हो तो वहां पे आपको बैचलर डिग्री का जो वहां पे सर्टिफिकेट है वो मिलेगा, और अगर आप 4th ईयर के पास पूरा कंप्लीट करते हो तो वहां पे बैचलर रिसर्च कोर्स का जो डिग्री का फुल एक कंप्लीट डिग्री का सर्टिफिकेट होता है वो आपको मिलेगा। अगर आप इसी के बीच कहीं पर भी आप छोड़ने की सोचते हो, फिर से अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो। इससे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसको वहां पे या तो जॉब या तो फिर पढ़ाई ऐसा चुनना पड़ता है, तो ये जो एक ऑप्शन है ये हट जाएगा, अपने फैमिली को भी देख पाएंगे जॉब करते करते। अगर वहां पे उसके बाद क्या होगा, अपने जॉब के कमाए हुए पैसे से ही खुद पढ़ाई कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छी चीज है। और एक जो चीज, नई चीज इन लोगों ने सोचा है कि पहले से ही स्कूल के एज से ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके रिसर्च के बारे में बताया जाएगा, और जब आप वहां पे कॉलेज में जाओगे तो वहां पे आपको एक रिसर्च लैब करके अलग एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा, जहां पे आप खुद का एक रिसर्च कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने दिमाग पे बहुत सारे आइडिया चलता रहता है, वो रिसर्च नहीं कर पाता, इसलिए उसका जो प्लान है, जो उसका जो थिंकिंग है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, आगे नहीं ला पाता। तो इसके बारे में सोचा गया है, बहुत अच्छी चीज है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो नेगेटिव साइड्स है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकता है। जैसे कि देखिए, सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से लगता है, जो क्लास 9 पे जब आप कुछ भी कोई स्टूडेंट स्ट्रीम चूज करने जाएगा, क्लास 9 एक ऐसा एज है, ज्यादा एज नहीं है, जहां पे आप लोगों को घर वालों का ही सुनना पड़ सकता है, या फिर आपका जो टीचर्स है वो फोर्स कर रहे हैं, या फिर आपका जो बैचमेट्स है, क्लासमेट्स है, वो कोई भी स्ट्रीम ले रहा है, तो आप एक्साइटमेंट में वही स्ट्रीम, सेम स्ट्रीम ले लो, बाद में फिर से आपको चेंज करना पड़े। तो इसके बारे में कोई भी रोशनी डाला नहीं गया है कि अगर आप चूज करने के बाद आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, आप वहां पे चेंज कर सकते हो कि नहीं, इसके ऊपर ज्यादा बताया नहीं गया है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और जो सबसे बड़ी बात, ये जो सारे जो प्लान्स है बहुत अच्छी प्लान्स है, और ये कैसे एग्जीक्यूट होता है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना बताया जा रहा है
2030 या फिर 2035 या फिर तक ये जो प्लान्स है तकरीबन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो एक एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस है। हर एक स्टूडेंट को, हर एक सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू होता है वो है टीचर का। हर एक स्कूल का, हर एक कॉलेज का, हर एक यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर होता है, टीचर होता है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पे जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के ऊपर ही पूरा का पूरा एक भार रहता है कि एक स्टूडेंट को कैसे डेवलप किया जा सकता है। उसका ब्रेन को रीड करने का जो पावर होता है वो सबसे अच्छी तरीके से वो लोग देख सकते। एक टीचर तो एक टीचर को अपनी तरीके से आना है, आगे बढ़ना है कि एक स्टूडेंट को कैसे वो एवेल्यूएट कर पाए, कैसे उसका जो अंदर का जो चीज है उसको बाहर ला पाए, ये देखना है सिर्फ एक टीचर को, ना कि घर वालों को। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो पूरा का पूरा पॉलिसी है बेकार जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये जो पॉलिसीज बनाया गया है बहुत अच्छी पॉलिसीज है। अगर ये सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है, मेरे हिसाब से 20 साल बाद, 30 साल बाद इंडिया एक टॉप लेवल की एजुकेशन लेवल पे जाएगा, जो हर एक फॉरेन कंट्री को कॉम्पीट करने की ताकत रख पाएगा। तो ये वीडियो में इतना ही सारा बताना था। अगर कुछ भी पॉइंट मिस आउट हुआ है तो मैं आगे जाके और एक वीडियो ला दूंगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे लाया गया है। तो मैं फिर से देखूंगा मेरा वीडियो, अगर मेरे को कुछ भी पॉइंट्स मिस आउट होता होना हुआ है लगता है तो मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, आपको घर वालों के साथ शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।